अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये मार्स के फाउंडेशन का रिव्यू। और चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो ये मार्स की जो फाउंडेशन है ना, हाई कवरेज है ऐसा ये क्लेम करता है, ऐसा इन्होंने प्रोडक्ट पे लिखा है। और इसके ना आउटर पैकेजिंग कुछ इस हिसाब से, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया तो मैंने उसको थ्रो आउट कर दिया है। और MRP वगैरह शेड्स वगैरह मैं सारे यहाँ मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर लेना। 8 शेड्स ना टोटल इन्होंने लॉन्च किए हैं, ठीक है, इंडियन शेड के हिसाब से, इंडियन स्किन टोन के हिसाब से। और कुछ इस हिसाब से आपको इसकी पैकेजिंग मिल जाएगी, पंप बॉटल रिसीव होगा, कांच की इसकी बॉटल है, तो मेक श्योर कि ये अच्छे से रखना। अच्छा, अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि ये एक्चुअल में है कैसा और मुझे कैसा लगा। सो सबसे पहले तो इसकी कवरेज की बात करते हैं। तो इसका जो कवरेज है ना, वो अच्छा कवरेज है, अच्छा मतलब हाई कवरेज है। और इसका शेड्स वगैरह देख सकते हो, मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगी कि कौन सा शेड है, तो वेट करना, स्किप मत करना वीडियो को बिल्कुल भी। का जो शेड है ना, वो मतलब क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होता है ना, तो आप और देखो ऑक्सीडाइज ना नॉर्मली सारे फाउंडेशन होते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप उसको इग्नोर कर दो। ऑक्सीडाइज भी ना देखो अपने अपने लेवल पर होता है, कोई जो चीप फाउंडेशन होगा ना, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक और ग्रेइश टाइप में पड़ने लग जाएगा, तो वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। बाकी ये जो ऑक्सीडाइज होता है ना अपने लेवल पे होता है, तो ठीक है, इतना चलता है। तो इस हिसाब से शेड चूज़ करना कि आपके जब आप इसको अप्लाई करो, अगर ये थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज भी हो रहा है वन टोन, तो आपकी स्किन के हिसाब से मर्ज हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब को देखते हुए ना मैंने इसका जो शेड पिक किया था वो 03 किया था। अभी आपको काफ़ी लाइट लग रहा होगा, बिल्कुल अच्छा सा एक इवन सा लुक आ जाता है। अच्छा, ये भी बता दूँ कि ये ना बिल्डेबल कवरेज प्रोवाइड करता है, बिल्डेबल फाउंडेशन है ये, तो केकीनेस तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और हाँ, आप मेक श्योर करना कि फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले जो भी स्टेप्स होते हैं वो आपने बहुत केयरफुली फॉलो किया हो। ओके, सो अब बात करते हैं कि ये मैट फाउंडेशन है या फिर डुई फाउंडेशन है। तो ये ना तो प्रॉपर मैट फाउंडेशन है ना डुई, मतलब ये एक मैट फिनिश के साथ ना आपको डुई लुक प्रोवाइड करता है, जो कि सीरियसली बहुत अमेजिंग लगता है। और ये कुछ नेचुरल लाइट में मैं आपको उसका शेड दिखा रही हूँ। अच्छा, ऑक्सीडाइज वाली शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी अपने शॉर्ट सेक्शन में, देख लेना। और अपना करेक्ट ट्राई मतलब दूँ तो फिर ये है कि ये मेरे को फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, डेफिनेटली गो फॉर इट। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।